हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है डिवीजन में सीखेंगे, डिवीजन ऑफ टेन एंड वन चेंजिंग टेन। मतलब जो हम डिवाइड करते हैं उसमें हम डिवीजन में सीखेंगे टेन एंड वन। मतलब टेन में डिवीजन करना, उसके बाद वन में डिवीजन करना, और उसके बाद चेंजिंग टेन। मतलब कि टेंस में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें आपका स्टेप बाय स्टेप उसमें चलता था, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहां भी आपको देखने को मिलेगा बच्चों, जिसमें आपका स्टेप बाय स्टेप डिवीजन होगा, जिसमें टेंस के प्लेस में पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद टेंस में रिमाइंडर आएगा, फिर सेकेंड स्टेप में जो है वंस को नीचे लेकर आएंगे और जो न्यू नंबर क्रिएट होगा उसको डिवाइड करेंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यही डिवीजन हम लोग सीखेंगे। आइए पहला एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे आपको 52 डिवाइड बाई 4, 52 को हम 4 से डिवाइड करना है, 52 को 4 से डिवाइड करना है। तो इसको हमने बताया था तो पहले इस तरीके से आज हम व्यवस्थित करेंगे 52 डिवाइड बाई 4। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इस डिवाइडेड को याद करेंगे, जो वर्ग यहाँ पर लेफ्ट का नंबर है वो अगर जो है डिवाइडेड से बड़ा होता है, मोर होता है, तो उसमें हम उसका सही डिवाइड करते हैं। तो हम 4 का डिवाइड करने के लिए 4 का जो है टेबल कितनी पढ़ेंगे, 5 से मोर नहीं होना चाहिए। कितना टाइम आप पढ़ते हैं, देखिए 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, ज्यादा हो जाएगा, दो हो जाएगा, इसलिए वन टाइम से यहाँ लेंगे 1 और यहाँ पर 4। ये पहला इसी पार्ट का बच्चे यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर हम यहाँ कंप्लीट करेंगे इसको, देखिए यहाँ इसी जगह जो है चेंजिंग टेन होगा, तो 5 और यहाँ पर 4 है तो सब्सक्राइब करें तो क्या लेना 1। ये 1 केस है, ठीक है। 1 केस को हम 1 से कन्वर्ट करेंगे तो आपका 10 वन हो जाता है, 8 वन और 2 वन यहाँ है लेकर के क्या हो जाएगा 12 वन, मतलब 2 को यहाँ लेकर आते हैं। वही क्या है और आपको समझना है कि 1 10 और 2 वन लेकर के क्या बन जाएगा 12 वन। अब 1 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 का नंबर यहाँ लिखेंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, मोर नहीं होना चाहिए। 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12। अभी देखिए बताया गया था कि इक्वल हो जाए लेकिन मोर नहीं होना चाहिए, तो 4 थ्री जा 12 आपका आ गया। अब इस स्टेप में भी हम क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 माइनस 12 क्या हो जाए यहाँ 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक, 0 और ये आपका ये कोशिश हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर राइट करेंगे। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखेंगे उसको यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। देखेंगे यहाँ पर जैसे आपका है मान लीजिए 57 डिवाइड बाई 3, 57 को हम जो है 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका जो डिवाइडेड है 57 उसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे और डिवाइडर जो है यहाँ पर, ठीक है। उससे आप बात डिवाइडेड से आप जो है लेफ्ट से पहला नंबर मैच कराएंगे डिवाइडर से, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है 5 है, जो कि ये 3 से क्या है तो 4 है, इसलिए 3 में 3 का डिवाइड
वन टाइम से लेंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसको यहाँ पर सब्सक्राइब करके हम आगे लगाने के लिए फाइव माइनस थ्री तो आ जाएगा यहाँ टू। अब ऊपर से नंबर हम सेवन को यहाँ नीचे लेकर आएंगे, सेवन को कहाँ लेकर आएंगे नीचे, ठीक है। तो टू टेन का मतलब क्या होता है ट्वेंटी, ट्वेंटी में आप सेवन और से ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ट्वेंटी सेवन। देखिए टेन जो है आपका चेंज हो रहा है, यहाँ लिखा गया है चेंजिंग टेन, तो इसी जगह जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको आप समझते रहिए कि चेंज होता है केवल इसको डिवाइड करना है उसी तरीके से। तो थ्री का आप टेबल पढ़ेंगे लेकिन नंबर में थ्री जो है ट्वेंटी सेवन से मोर नहीं होना चाहिए, तो क्या पढ़ेंगे थ्री वन या थ्री थ्री टू या थ्री, फिर उसके बाद थ्री थ्री या नाइन, थ्री फोर या ट्वेल्व, थ्री फाइव या फिफ्टीन, उसके बाद थ्री सिक्स या आपका होता है एटीन, फिर थ्री सिक्स या एटीन थ्री सेवन या में आ जाएंगे ट्वेंटी वन, फिर उसके बाद थ्री एट या ट्वेंटी फोर हो जाएगा, फिर थ्री नाइन या में आपका आ जाएगा थ्री नाइन या ट्वेंटी सेवन। देखिए इसको ला गया थ्री नाइन या में ट्वेंटी सेवन इसको ला गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सेवन माइनस सेवन इक्वल टू माइनस टू जीरो, तो आप एक ही जीरो लिखिए या डबल जीरो लिखिए आपका कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर ये आंसर आपका आ जाएगा कोशेट के रूप में, ठीक है। ये कोशेट आ गया आपका ये आंसर है आपका। इस तरीके से एक आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन बताया गया था। आइए बच्चों ऐसे सी और सेल्फ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो एसएससी और सेल्फ बच्चों आपका दिया गया है यूज डिवीजन मेथड टू सॉल्व लिखा है आपका पेज नंबर 57 पर देखेंगे तो, यूज डिवीजन मेथड टू सॉल्व, सॉल्व आपको करना है डिवीजन मेथड का यूज करते हुए। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे फाइव, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा फाइव आप देखेंगे तो लिखा है तो इस तरीके से आपको अरेंज करके दे दिया है, अरेंज किया हुआ है थ्री फोर डिवाइड बाय सेवन, सेवन से थ्री फोर को डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे पहला नंबर फोर आपका होने का ठीक है, क्योंकि चेंजिंग टेंस है इसलिए जो लेफ्ट से पहला नंबर है ये आपका हमेशा इसके डिवाइडर से मोर दिखाई देगा, और बड़े आसानी से आप जो है फोर पहले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा सेवन का टेबल पढ़ेंगे एट से फोर नहीं होना चाहिए, सेवन वन का सेवन, सेवन टूटा भी जल्दी हो जाएगा यहाँ पर सेवन वन का सेवन, एट माइनस सेवन आपका सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा वन, और यहाँ से फोर लेकर आएंगे फोर्टी बन जाएगा, ठीक है। वन टेन मतलब टेन वन, और टेन वन और फोर वन लेकर के फोर्टी वन बन गया। अब वन से हम डिवाइड करेंगे तो वन की प्लेस में यहाँ लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा आपका सेवन टूजा फोर्टी, सेवन टूजा कितना होता है बच्चों फोर्टी। अब इसको सक्सेस करेंगे यहाँ आप यहाँ देखिए यहाँ मत करिएगा ये लाइन बहुत बच्चे यहाँ भी करते हैं, बहुत बच्चे यहाँ भी कर सकते हैं, तो ये लाइन जो ड्रा करते हैं उसको ड्रा करने का तरीका है, ये पहला जिसमें बनता है पहले नंबर पे जब आप डिवाइड करते हैं, ये रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर के आगे जो है अगला नंबर लेकर आते हैं, ठीक है। तो फिर इसको भी डिवाइड करते हैं तो जितना आता है उसके नीचे आप लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। ये वन टू टू नंबर है उसके बाद का वन टू लाइन के बाद का, ठीक है। लाइन किस तरीके से ड्रा करना है, लाइन का भी यहाँ पर महत्व है, ठीक है। तो आप याद करेंगे इसका इम्पोर्टेंस है। इस तरीके से आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया तो आंसर के रूप में, ठीक है। और रिमाइंडर आपका यहाँ पर जीरो, रिमाइंडर क्या है जीरो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स आप देखिए लिखा है यहाँ पर 72 डिवाइड बाई 3 से आपको डिवाइड करना है। अभी हमको बताया कि ये जो डिवाइडेड है इसका फर्स्ट नंबर लेने से क्या होगा, ये डिवाइडेड से ठीक होगा, ठीक है। तो आप केवल पहले नंबर से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। टेबल वाइज टेबल से मोर नहीं होना चाहिए, 3 2 3 3 3 क्या पढ़ेंगे तो 3 टाइम से मोर हो जाएगा 9 5 को, तो यहाँ 6 ले जाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा और यहाँ से क्या करेंगे इसको नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। 3 का टेबल वाइज 12 से मोर नहीं होना चाहिए, क्या करिए 12 से मोर नहीं होना चाहिए, तो 3 बन जाते हैं 3 2 3 3 3 9 और 3 4 12। अभी 4 टाइम्स पढ़ने पर इसकी इक्वल आ गया तो इसको आप माइनस करिए और सब्ट्रैक्ट करने को किस तरीके से, तो यहाँ भी आ जाएगा 0, 12 माइनस 12 0, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन आंसर के रूप में आ जाएगा और यहाँ पर जो है इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड का यूज करते हुए। अब इसमें का क्वेश्चन बचा हुआ है उसको प्रॉब्लम क्वेश्चन, आइए हम लोग प्रॉब्लम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी। अभी तो ये आपने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया, अब इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम क्वेश्चन डिवीजन करने के लिए क्वेश्चन नंबर बी से पहला क्वेश्चन इज 6 चेयर कॉस्ट 8,900। हाउ मच that is chair cost। ध्यान से प्रश्न को पहले आप लिख करें बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ 6 चेयर कॉस्ट, यदि 6 कुर्सियों का मूल्य आपको दिया है 897 रुपीज, हाउ मच डज इफ चेयर कॉस्ट। तो प्रत्येक इफ माने प्रत्येक कुर्सी का कार्ड बनाने के लिए क्या होगा, कितना होगा, हाउ मच मीन कितना, ठीक है। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि जब कभी भी जो है क्वेश्चन में अधिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वन से मोर ऑब्जेक्ट का कार्ड दिया हो और वन ऑब्जेक्ट का कार्ड आपको फाइंड करना हो, ठीक है, या पूछना हो क्वेश्चन में, या एक ऑब्जेक्ट का कार्ड पूछना हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मतलब वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस स्थिति में, हमारा जो फंडामेंटल ऑपरेशन होता है बच्चों, मूल संक्रियाएं, उसमें हम जो है डिवीजन का यूज करते हैं। कौन से ऑपरेशन का यूज करेंगे, डिवीजन। तो यहाँ पर हमको डिवाइड करना है किसको, इस कास्ट को, टोटल कास्ट को किससे, इस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो नंबर है इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करना शुरू करते हैं इस तरीके से, ए यहाँ पर आप कोटी भी लिख सकते हैं इस तरीके से 8 9
24 24 आप इस तरीके से इस स्टेप में भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 4 आपका आ जाता है कितना जाएगा यहाँ पर 5 ठीक है और 2 माइनस 3 0 आएगा। अब उसके बाद हम जो है तीसरा टेबल पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर देखिए 7 को पहले नीचे लेकर आएंगे आप इसके पास ये 7 आ जाएगा आपका तो ये 67 बन जाएगा। 6 का टेबल पढ़ेंगे 67 से मोर नहीं होना चाहिए तो 6 नाइंजा आपका होता है 54 6 नाइंजा आपका 54 हो जाएगा। और इसको रिमाइंडर करें इसको भी सब्ट्रैक्ट करें बच्चों ठीक है सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन यहाँ पर स्टेप नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर हम करते हैं ठीक है बच्चों इसको ऊपर किया जा रहा है ये क्वेश्चन हम जो है ये कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है आप इसको डिवाइड करेंगे तब आपको ये समझ आएगा। क्वेश्चन है आपका एट नाइन सेवन डिवाइडेड बाई सिक्स वन या सिक्स रिमाइंडर आ गया आपका टू नाइन सिक्स फोर या 24 यहाँ आ गया रिमाइंडर 5 और ये सेवन लेकर आए हम और यहाँ जो तीन तरीके से ठीक है आएगा सिक्स नाइंजा ये आपका होता है। उसके बाद यहां पर आएगा बच्चों आपका कितना आएगा यहां आएगा सी और यहां जीरो इससे कोई मतलब नहीं जीरो से। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे दिया है यहां पर आपको हालत देना नहीं चाहिए था उसको पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए था तो इसमें क्वेश्चन में आपके टेबल के हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ी है तो ठीक है तो यहाँ जब इस तरीके आ जाता है तो हम यहाँ डेसिमल लगाते हैं यहाँ क्या लगाते हैं डेसिमल। अभी डेसिमल आपको पढ़ना नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन में गड़बड़ी है इसलिए यहाँ पर डेसिमल हम लगा करके यहाँ जीरो एक बढ़ाएंगे अपने से तो ये क्या बन जाएगा 30 और 6 का टेबल पढ़ेंगे 30 से मोर नहीं होना चाहिए तो 6 हाई जा और ये पूरा पूरा जो है नहीं हो गया तो यहाँ आप देखिए दोस्तों कि ये जो आया आपका आंसर ठीक है ये आंसर क्या आया 149.5 ठीक है ये जो 0.5 बता रहा है ये 35 हो जाता है और 149 को बताता है ये 25 को बताता है ठीक है मतलब 149 और 50 का जो है 1 चेयर का टाच होगा या इस चेयर का टाच होगा तो आंसर आप लिखेंगे सो इस चेयर और इस रूपी 149.5 ठीक है बेटा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखेंगे बेटा जैसे हम लोग जैसे बेटा हमको एग्जाम्पल के तौर पर if 5 pencils cost आपको दे दिया 25 तो यहां पर इसे लिख दिया
पेंसिल कॉइन, एक पेंसिल कॉइन कितना होगा, इसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ भी देखिए यही बात आपको बताएगा कि जब वन टू फोर ऑब्जेक्ट का कार्ड आपको दिया हो, ठीक है, तो क्या कहते हैं वन ऑब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट का कार्ड आपको पूछना हो, तो उसमें आप जो है डिवीजन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ जो है क्या करेंगे 25 रुपीज में ये जो फाइव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर फाइव का टेबल पढ़ेंगे 25 को नहीं लगे, तो फाइव फाइव का 25 ये आपका तब तक करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कर सकते हैं तो ठीक है, इस तरीके से आंसर आप लिखते हैं। ठीक है, आइए तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग होमवर्क लेते हैं। होमवर्क में नोट डाउन करेंगे बच्चों आप, क्वेश्चन नंबर वन, यूज डिविजन मेथड टू सॉल्व। आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप नोट करेंगे आप और क्वेश्चन नंबर टू है बेटा आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन से रिलेटेड है। बंडल त्रिभुज हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट, और आगे क्या है हाउ मेनी पेंसिल्स आर
टेंस हो जाएगा तो टेंस आर लेफ्ट ओवर यहाँ क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन आप समझे दोस्तों पहले क्वेश्चन यूज डिवीजन मेथड को सॉल्व डिवीजन मेथड का यूज करके भी क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है सुपर क्वेश्चन बनेगा उसके बाद प्रॉब्लम क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको मिला है इफ 58 टेंस यदि 58 टेंस को आर बंडल बंडल में रखना है ठीक है बंडल में है इन ग्रुप ऑफ फाइव जिसका ग्रुप बना हुआ है फाइव ग्रुप का बंडल है ठीक है फिर हाउ मेनी बंडल को कैलकुलेट कितने बंडल बनेंगे ठीक है यदि एक ग्रुप में फाइव टेंस आते हैं तो कितने बंडल बनाए जा सकते हैं ठीक है उसके बाद हाउ मेनी टेंस आर देयर और कितने से लेफ्ट मतलब शेष बच जाएंगे तो जिसमें रिमाइंडर बचेगा बच्चों आप इसको कंप्लीट करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो आपका पेन लेफ्ट हो जाएगा और जितने क्वेश्चन आएंगे उतने बंडल आपके बन जाएंगे तो आपको उस तरीके से उसका आंसर लिखना है अपने बुक से क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों आपका इसमें कम्युनिटी डिवीजन है ठीक है इसमें का और कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर